गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौरा जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:15, इसलिए आज गुड मॉर्निंग हुई है और बस काम अभी शुरू होने लगा है। नाश्ता निपट गया टाइम से, तो आरव भी नाश्ता कर रहा है। जैसे उसका नाश्ता खत्म होता है, क्योंकि टेबल साइड पे है, वो कारपेट पे आराम से बैठा हुआ है, तो उसके नाश्ता खत्म करते मैं सफाई वगैरह शुरू करती हूँ। और अब आज से अपना बैक टू द रूटीन, क्योंकि 2 दिन ऑफ हो गया, अब ट्यूशन भी आज होगी, काम भी होगा, पढ़ाई भी होगी। और अब आज 26 तारीख हो गई है और 2 तारीख से बच्चों के स्कूल है, तो ज़्यादा दिन भी नहीं है, तो अब काम पर ध्यान देना पड़ेगा। आरएफ के भी ट्यूशन के काम पे तो पूरा पूरा ध्यान होता ही, बट अब इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि लर्निंग क्या चल रही है, होमवर्क कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो चलिए अभी वो नाश्ता करने बैठा हुआ है और मैं अपना काम शुरू करती हूँ आपके आज के ब्लॉग के साथ। गाइज ऐसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करने की सोचती ना, इसका शोर शुरू हो जाता है। ज़रा सी किसी की आवाज़ आई नहीं ऊपर आने की, घर के बाहर खड़े होने की, वॉचमैन इतना शुरू हो जाता है, पहले इसे चुप करा लो। गाइज फाइनली ब्रूनो का चिल्लाना बंद हुआ और अब मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, बहुत गर्मी कम हो गई है। आई डोंट नो गर्मी कहाँ कम हुई है, मुझे नहीं लगती है गर्मी कम है, क्योंकि ज़रा सा कुछ काम करने के बाद जो पसीने से ये हाल हो जाता है, विद इन अ 5 मिनट्स आप पसीने पसीने हो जाते हो टॉप टू बॉटम। चलिए ये तो हो गया ह्यूमिडिटी का हाल और मेरा काम सारा खत्म हो गया, बस अब नहाना रह गया। और मैं जो आपको दिखाने लगी थी, मैंने मंगवाई थी डस्टबिन की पॉलीथिन्स, क्योंकि कूड़े वाला रोज़ रेगुलर नहीं आता, 3 दिन 4 दिन बाद आता है। तो मैं क्या करती हूँ, डस्टबिन की पॉलीथिन्स में कूड़ा इकट्ठा करके शाम को जब चक्कर लगता है बाहर स्कूटी पर रख के, जो भी हमारा एरिया का कूड़ेदान है वहाँ फेंकाती हूँ। तो इसके लिए डस्टबिन की थैलियाँ बहुत ज़रूरी है, नीट एंड क्लीन रखने के लिए, घर में गंदगी ना हो इसके लिए। तो मैंने इस बार 2 साइज़ मंगवाए हैं, एक मैंने मंगवाया है बाथरूम के लिए क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन छोटा है, और एक मैंने मंगवाया किचन के लिए क्योंकि वहाँ पर डस्टबिन बड़ा है। तो ये दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बड़े वाले की पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए गाइज, ये तो मैंने छोटे वाले डस्टबिन के लिए साइज़ मंगवाया और इसका साइज़ है 4350, मतलब स्मॉल साइज़ है ये वाला। तो छोटे डस्टबिन के लिए तो ये वाला हो गया, और बड़े की ना पैकिंग ऐसे आई थी, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से। मैंने कहा ये तो बड़ा अलग सा है, कुछ और ही ना निकला है इसमें। तो जब खोला पूरा सेट मिला है प्रेस्टो का, और ये लार्ज साइज़ है ऑफकोर्स, और थैलियाँ बहुत अच्छी मजबूत होती हैं, फटती नहीं हैं, तो ये डस्टबिन के लिए काम में आ जाएंगी। ये पूरा रोल होता है, तो रोल में से निकाला जाता है इसको, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपना डस्टबिन साफ़ करके कूड़ा करते हैं बाहर और रात को फिर फेंक के आएंगे। गर्मी से बहुत बुरा हाल है और आरव गया हुआ अपनी कटिंग कराने, तो कटिंग करा के वो आएगा तब नहाएगा, तो उससे पहले मैं ये सारा काम वाम निपटा लूँ, दही लगा लूँ सर में, और उसके आने के बाद नहाने जाऊँगी। अगर मैं नहाने गई और वो आ गया तो गेट भी खुलेगा, तो इसलिए उसके आने के बाद जाऊँगी मैं नहाने, बाकी मेरा काम सारा ख़त्म। वेलकम बैक गाइस, सुबह कितनी भूसी हुई शक्ल होती है, और इस टाइम नहा धो के मेकअप करके तो मतलब मज़ा ही आ जाता है तैयार होने का। और गाइस टाइम हो रहा है 4:45, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, पाठ पूजा हो गया और अभी बच्चों को आने का टाइम है, तो एज़ यूजुअल एक कप पटियाला वाली चाय चाहिए, क्योंकि इस टाइम खाना खाने के बाद बहुत स्लीपी फील होता है और सोने को दिन में मिलता नहीं है, तो इसीलिए एक कप पटियाला चाय का तो बस दिन बन जाएगा अच्छा सा। और मैं ना जो कूड़े की जो थैलियाँ थी ना, वो मैंने इकट्ठी कर ली हैं, 2 थैलियाँ भर गई। एक तो कल पार्टी की वजह से वो पेपर प्लेट्स और ग्लासेस और चम्मच वगैरह पूरा एक थैली में भर गया, एक थैली जो घर की थी डस्टबिन की वो भर गई है। तो दोनों अच्छे से साफ करके पूरी बालकनी पर रखी हुई हैं, और फिर शाम को मैं स्कूटी पर जाके वो कूड़ा फेंकाऊंगी, क्योंकि घर में अगर गंदगी हो ना तो स्मेल भी आती है, गर्मी बहुत है, और फिर खुद को भी अच्छा नहीं लगता, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता ऐसे गंदगी में। घर साफ़ सुथरा उसके बाद हम साफ़ सुथरे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस बनाती हूँ पटियाला कप चाय का और फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी खाना बनाने की ऐसा कोई टेंशन मुझे है नहीं, बैठे बिठाए मेरा एक कुंडा आज हो गया। स्कूटी की जो बैटरी होती है ना वो बंद हो गई, ख़राब हो गई है, तो स्कूटी वाले को स्कूटी देकर आया आ रहा है, और उसने 900 रुपीज़ का बताया कि बैटरी नहीं लगेगी और 2 साल की वारंटी गारंटी है। तो अभी आरव को मैं भेजती हूँ जो स्कूटी लेकर आएगा, और उसके बाद मैं अपना कुछ काम कर पाऊँगी, क्योंकि स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा और किक मुझे आती नहीं लगानी। तो चलिए बनाते हैं चाय। और गाइज़ ये देखिए मेरा ऑटोमेटिक चैनल, मेरा बच्चा मेरा गुग्गू 4:15 बजे अपने आप अंदर आके सो जाता है कि भैया अब टाइम हो रहा है बच्चों का, है ना बोलू निन्नू का नहीं निन्नू स्माइल तो कर दे निन्नू। गाइज फाइनली बच्चा पार्टी पढ़कर गई और आरव का जिम जाने का टाइम हो रहा है, और मेरा टाइम हो रहा है खाना बनाने का, आलू गोभी। वैसे तो रात के लिए खाना पड़ा हुआ है, बट अगर मैं अभी आलू गोभी बना लूँगी तो मेरे खाने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, और सुबह की मुझे टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सुबह की ना 5-5 मिनट की नींद इतनी प्यारी होती है, आप लोग भी जानते हैं। हम 9 बजे उठेंगे, फिर 5 मिनट 9:05 पे उठते हैं, फिर 9:10 पे उठते हैं, करते करते 9:15 बज जाते हैं। और ये भाई साहब अब जा रहे हैं जिम, ये कानों में इन्होंने अपनी तुनतुनी सी वो क्या बोलते हैं इसको, ईयरबड्स हेडफोन, अच्छा ईयरबड्स लगा लिए। मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती, मेरे तो कान में टिकते ही नहीं है। तो चलिए मैं किचन में जाती हूँ और आलू गोभी की तैयारी करती हूँ, पर पहले अपनी जटाएं बांध लें।
गाइस, अरे एक मिनट गाइस, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज आया है। आलू गोभी आके बनाऊंगी, पहले मैं बाजार जा रही हूँ, क्योंकि आलू पता है कितने निकले हैं, ये देखो, ये सिर्फ 3 आलू निकले। अब इन 3 आलूओं की मैं क्या आलू गोभी बनाऊं, तो अभी मैं जा रही हूँ। मैंने हाथ पे लिख लिया मिल्क, दही, अंडे, पनीर, छाछ और वेजिटेबल्स, और कोई एक आधा फ्रूट दिखा तो वो भी लेती आऊंगी। तो पहले मैं सामान ले आऊं, फिर आकर बनाती हूँ आलू गोभी। गाइस मैं घर आ गई सारा सामान लेके, अंडे की ट्रे खत्म थी, वो भी बहुत ज़रूरी थी। सब्जियाँ मैं लाई हूँ पूरा स्टॉक, प्याज, टमाटर, आलू, खीरा और घिया घुआ जो कोई खाता नहीं है, तो बनाना पड़ता है। अब सब्जियाँ तो यही सब हैं, तो चलिए पहले मैं सामान दिखा दूँ, फिर रख लूँ, फिर आलू गोभी बना लूँ। गाइज मैं अपने लेना रात को बनाऊँगी आटा मैगी, आज मैं यही खाऊँगी, मुझे और कुछ नहीं खाना। बाकी ये कॉफ़ी के पाउच हैं, क्योंकि कॉफ़ी मैं लगाती भी हूँ, खाता आ रहा है। और ये है छाछ, दूध, दही, ये अंडे की ट्रे, और ये थैला पूरा भरा हुआ है सब्जियों से। वाटरमेलन भी है, ये देखो आपको नीचे दिख रहा है, और खरबूजा भी। तो पहले सामान समेटा जाए। गाइज ये देखिए मैंने कढ़ाई में आलू गोभी रख दिए हैं बनने के लिए, और अभी सिर्फ नमक हल्दी डाला है, तो उसको मैं ढक दूंगी। और दूसरी तरफ एक छोटी तड़केदानी ली है, क्योंकि मैं अभी खाऊंगी रात को वेज आटा नूडल्स, और ये मैं खा सकती हूँ, मतलब वेजी आटा नूडल्स हैं, तो ये कोई नुकसान नहीं देगा, मैदा नहीं होता इसके अंदर। बस यही एक पैकेट मैं खाऊंगी, और इसको कढ़ाई को शिफ्ट करते हैं यहाँ पर और बनाते हैं मैगी। गाइज ये देखिए चिप्स मैं लाई नहीं अभी, और ये सारे चिप्स ना ड्रॉर में पीछे गिरे हुए थे, जो हमें पता ही नहीं थे कि ड्रॉर में पीछे गिर गए हैं। देखो कितने सारे लेस और हल्दीराम के चिप्स, ये कुरकुरा तो खुला पड़ा, इसको तो मैं हटा दूंगी, पता नहीं चूहों ने ना कुतरा हो। और ये लेस के पैकेट, ये भी सॉल्टेड चिप्स के पैकेट, और ये मैक्स वाला, ओहो माचो चिली फ्लेवर वाला, ये भी पीछे गिरा हुआ था। तो ये हमें पता ही नहीं थे ड्रॉर में कब पीछे गिर गए, तो इसको अभी ऊपर ही रखते हैं, बाद में समेटते हैं इनको फटाफट।